फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बी हियर। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। तो पहले देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? सब्सटेंस है जिसे अपन डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये किसी एटम या आयन के अंदर क्या जाएगा, डीएसोसिएट या फिर डिसॉल्व हो जाएगा, या फिर आयनाइज हो जाएगा। तो पहले अपन देखते हैं एटम की स्ट्रक्चर। तो एटम किससे बनता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल। तो स्ट्रक्चर में देखेंगे जो एटम का न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, मींस जो न्यूक्लियस जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और पेरिफेरल में क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो रिवॉल्व करते हैं वो होते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो आयन्स जो होते हैं दो होते हैं, कैटायन एनायन। ठीक है, कैटायन मींस क्या होता है? एक ऐसा एटम जिसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है प्रोटॉन से कम होता है, इस वजह से क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, जो एटम है क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए अपन इसे कहते हैं कैटायनिक कहते हैं। एनायन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके नंबर प्रोटॉन से ज्यादा होता है, इस वजह से क्या होगा, एनायन होता है नेगेटिव चार्ज, और जिसे हम कहेंगे एनायन। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के नंबर इक्वल हो तो जो एटम होता है या जो सब्सटेंस जो होता है वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। अब बात की जाए मेजरमेंट की, इलेक्ट्रॉन को मेजर करने के लिए एक यूनिट है जिसे कहते हैं क्या, मिली इक्विवेलेंट। मिली इक्विवेलेंट क्या शो कर रहा है? कंबाइनिंग एक्टिविटीज हो रही है किसी भी एटम की या फिर आयंस की। समीज क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अपन 1 मिली इक्विवेलेंट कैटायन। इसका मीन्स क्या होगा? 1 मिली इक्विवेलेंट कैटायन जो है इसकी कंबाइनिंग एक्टिविटी के साथ में 1 मिली इक्विवेलेंट एनएन के साथ में ये अपनी कंबाइनिंग एक्टिविटी को शो करेगा, मिली इक्विवेलेंट एक यूनिट है। नेक्स्ट बात करें अपन फ्लूइड्स की, तो फ्लूइड का कंपोजिशन देखते हैं अपन बॉडी के अंदर। बॉडी फ्लूइड कंपोजिशन मेजर पार्ट किसका होता है? वाटर का होता है। बाकी जो डिसॉल्व सब्सटेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, डिसॉल्व सब्सटेंस कौन कौन सा होता है? ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन वगैरह। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इसके अंदर, तो फ्लूइड का मेजर पार्ट क्या होता है इसके अंदर? वाटर होता है। ठीक है, क्योंकि वाटर क्या वाइटल फॉर लाइफ, लाइफ के लिए वाइटल है, जरूरी है। तो एक हेल्दी एडल्ट के अंदर 60% मींस बॉडी वेट का 60% क्या होता है? वाटर होता है। बात करें इन्फेंट की, तो इन्फेंट बॉडी वेट कितने परसेंट वाटर होता है? 80%, और ओल्ड एज होता है 55%। नेक्स्ट जो अपने जो ये बॉडी फ्लूइड्स जो होता है वो किस प्रेजेंट है? कंपार्टमेंट के अंदर। दो मेजर कंपार्टमेंट रहते हैं। फर्स्ट मेजर कंपार्टमेंट है इंट्रासेलुलर, सेकंड है एक्स्ट्रासेलुलर। नाम से पता चल रहा है इंट्रासेलुलर का मीनिंग होता है इनसाइड द सेल। इंट्रा मींस इनसाइड, सेल के अंदर जो फ्लूइड होगा उसे अपन कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ये अपने बॉडी फ्लूइड का कितना होता है? 2/3 होता है, या फिर कह सकते हैं 70% जो बॉडी फ्लूइड जो होता है वो क्या होता है? इंट्रासेलुलर होता है। ठीक है, सेकंड है एक्स्ट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा मींस आउटसाइड, सेल्स के जो आउटसाइड जो होता है फ्लूइड उसे बोलते हैं एक्स्ट्रासेलुलर। फॉर एग्जांपल इसमें है इंटरस्टीशियल। इंटरस्टीशियल मींस इन बिटवीन द टिश्यू, सेल्स के बीच में, टिश्यू के बीच में जो होगा उसे बोलते हैं इंटरस्टीशियल। इंट्रावैस्कुलर, इंट्रावैस्कुलर मींस इनसाइड द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का मतलब इसमें कहते हैं इंट्रावैस्कुलर। एंड ट्रांसलर, ट्रांसलर मींस बॉडी कैविटीज हो गया, साइनोवियल जॉइंट, प्योर कैविटी, पेटुनरी कैविटी। ठीक है, तो देखते हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कितना होता है? अपने पूरे बॉडी फ्लूइड का 1/3 होता है, या फिर कह सकते हैं इसको 30% क्या होता है? एक्स्ट्रासेलुलर। इंटरस्टीशियल फ्लूइड मींस इन बिटवीन द टिश्यू, कितना परसेंट होता है ये? 22% होता है। नेक्स्ट इंट्रावैस्कुलर मींस इन फैक्ट इनसाइड द ब्लड वेसल्स। अब देखो इनसाइड द ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड सेल्स नहीं होती है। ठीक है, ब्लड सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होगा वो काउंट नहीं होगा। इसमें सिर्फ क्या काउंट होगा? प्लाज्मा, जो मतलब जिसके अंदर आपके ब्लड सेल्स जो है मोस्ट एविडेंट जो इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्लाज्मा ही काउंट करेंगे इसके अंदर। तो इंट्रावेस्कुलर कितना होता है? 6%। एंड ट्रांसलर, ट्रांसलर मींस इनसाइड द साइनोवियल जॉइंट मींस साइनोवियल फ्लूइड, सीएसएफ एंड प्यूरल फ्लूइड, और लिम्फ। ठीक है, ये सारे किसमें आएंगे? ट्रांसलर में ये होता है 2%। यहां तक आप समझ में आ गया? ठीक है, अब बात की जाए थर्ड स्पेस की।
थर्ड स्पेस से कहता है, जो अपना इंटरस्पेशियल जो स्पेस है उसे कहता है थर्ड स्पेस। थर्ड स्पेसिंग क्या होती है? थर्ड स्पेसिंग कहता है किसी डिजीज के अंदर, ठीक है, बात कर रहे हैं अपन थर्ड स्पेसिंग की। थर्ड स्पेसिंग कहता है किसी भी डिजीज के अंदर बॉडी के एक्चुअल स्पेस पे फ्लूइड का एक्युमुलेशन जो होता है, एक्सेसिव एक्युमुलेशन होता है, उसे अपन कहते हैं थर्ड स्पेसिंग। फॉर एग्जांपल सर्वाइकल जॉइंट के अंदर सर्वाइकल फ्लूइड का एक्युमुलेशन, सीएसएफ का, प्यूरल फ्लूइड का, लिम्फ का, एक्वस ह्यूमर का, अगर इन सभी का किसी अपने बॉडी के एक्चुअल स्पेस में क्या होता है, एक्सेसिव फ्लूइड जो एक्युमुलेट हो जाएगा किसी डिजीज के अंदर, तो उसे अपन क्या कहेंगे, थर्ड स्पेसिंग कहेंगे। ठीक है, डिफरेंस है थर्ड स्पेसिंग और थर्ड स्पेसिंग डिफरेंस ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें एडिमा की। एडिमा क्या है, सभी पता है एडिमा, जिसे हिंदी में अपन सूजन कहते हैं। ठीक है, एडिमा के दो टाइप है, ठीक है, कौन कौन से टाइप है, एक तो होता है लोकल एडिमा, जनरलाइज एडिमा। ठीक है, लोकल एडिमा, लोकल नाम से पता चल, लोकल मीन्स किसी लोकलाइज एरिया के अंदर, किसी भी लोकलाइज एरिया के अंदर इंटरस्टीशियल फ्लूइड एबनॉर्मली एक्युमुलेट हो जाता है, तो उससे कम जाते क्या, लोकल एडिमा। ठीक है, मेनली किस वजह से होता है, एक्सीडेंट की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से, या इंफेक्शन की वजह से, ये होता है क्या, लोकल एडिमा। जनरलाइज एडिमा मीन्स होल बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर जो एडिमा होगा उसे अपन क्या कहेंगे, जनरल एडिमा। ठीक है, तो जनरलाइज एडिमा का दूसरा नाम क्या, एनएसआर का। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, हार्ट फेलियर की वजह से, किडनी फेलियर की वजह से, या फिर लिवर डिजीज की वजह से, क्या होता है, एनएसआर का होता है, या फिर जनरलाइज एडिमा होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बॉडी फ्लूइड जो है उनका मूवमेंट, जैसे बढ़ेंगे अपन क्या, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन।